नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी रात के लगभग 11 बजने वाले हैं और हम मंदिर जो मुख्य गेट है वहां पर मौजूद है और आपको सामने दिखा रहे हैं कि जो राम लला का कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है। आप देखिए जो राम मंदिर के क्षेत्र में जो मुख्य गेट है जहाँ से कल लोग VIP और प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा योगी जी जहाँ से प्रवेश करेंगे उसका हम आपको साक्षात वीडियो दिखा दे रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि अभी इतनी रात को अंदर जाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का माहौल है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी आप देखिए पूरे गेट को फूलों से सजाया गया और कितना सुंदर यहाँ पर ये नज़ारा लग रहा है। पूरे रोड पर आपको यहाँ पर पब्लिक जो है वो नज़र आएगी। लोग सोने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनके जो राम लला है वो इतने वर्षों के बाद एक बार फिर से अस्थाई मंदिर में आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कितना जो है तैयारी की गई है। जो पब्लिक है उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम यहाँ पर फोर्स लगे हुए हैं। बाकी रोड पर आप देखिए कितना भव्य तरीके से सजाया गया है यहाँ पर। और ये बोर्ड देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी। आप देखिए पूरी रोड पे पब्लिक है और अधिकारियों की जो गाड़ी है वो लगातार सायरन बजाती हुई आगे बढ़ रही है। बाकी हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की तैयारी चल रही है। मंदिर के मेन गेट को जो है फूलों से सजाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हर सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा स्वागत किया जाता है। बाकी आप यहां देख सकते हैं पूरा ये गेट कितना अद्भुत तरीके से सजाया गया है। सभी को रोक दिया गया है, किसी को एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम यहां पर बने हुए हैं और आपको यहां का पूरा जो है वो लोकेशन दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से सामने से जो रोड जा रहा है यहाँ पर पूरा भीड़ उमड़ा हुआ है और पुलिस के द्वारा यहाँ पर तमाम बैरिकेडिंग की गई है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कल आखिर वो दिन आ ही जाएगा जब यहां पर जो है रामलला एक बार फिर से अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे और वहां पर जो भक्तगण हैं वो उनके दर्शन कर पाएंगे। कल नहीं, 23 से कर पाएंगे। कल तो पूरा उनका जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है यहाँ पर, कितना अद्भुत है। अभी हम मंदिर के मुख्य एंट्री पॉइंट पर आ चुके हैं। इसी रास्ते से होकर जो भक्तगण हैं वो राम मंदिर को देखने पहुँचेंगे लेकिन कल ये बंद रहेगा और यहाँ से जितने भी VVIP लोग आएंगे उनको यहीं से एंट्री कराई जाएगी। नई वाली मंदिर प्रभु श्री राम की बन रही उसके सामने है और यहाँ पर आप देखिए कितना काम चल रहा है। जो दूर आपको दिख रहा है पंडाल के बगल में वो ब्लू कलर के अंदर, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा राम मंदिर है। और अभी यहाँ पर 11 बजे के बाद थोड़ी बहुत जो लोग परमिशन लेके आए हैं उनको एंट्री दी गई है। पूरे दिन ये बंद था, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत लोग यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और ये पूरा जो रास्ता है पैदल यात्रियों के लिए पूरा क्लियर कर दिया गया है। संभवतः कल यहाँ आम लोग नहीं आ पाएंगे, केवल VVIP लोग आएंगे। इसलिए हमें लगा कि अभी रात के 11 बज रहे हैं और कल ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है तो एक बार आपको पूरा घुमा के दिखा देना चाहिए। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सुरक्षा जाँच है उसके लिए लगाया गया है और ये कितना सुंदरता से सजाया गया है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमें ये लगा कि कल आप नहीं पहुँच पाएंगे, हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए आपको हम दिखाते हैं। इसलिए हम लोग 11 बजे रात को यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर जो मार्बल है, लाल वाले बलुआ पत्थर, उनसे इसको सजाया गया है। पूरा दो पैदल रूट्स बनाए गए हैं जिनसे होकर जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो आएंगे। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। बाकी यहाँ पर जो ये आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर जो पैदल लोग आएंगे भक्तजन, अगर वो थक जाते हैं तो यहाँ वो आराम भी कर सकते हैं और ये धूप छाँव या बारिश होती है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये पूरा चेक पोस्ट है और बाकी आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए अस्थाई जो यहाँ से लोगों को रोकने के लिए लगाया गया है, हर बड़े मंदिर में ये लगाया जाता है। इसके अलावा ये फूल जो लेके जा रहे हैं, देखिए फूल जो यहाँ मजदूर हैं जो सजाने वाले लोग हैं वो लेके जा रहे हैं। बाकी यहाँ लाइटिंग का विशेष ध्यान रखा गया। आप देखिए कितना सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है। हालांकि थोड़ी सी वीडियो हिल रही होगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि चलते हुए ये वीडियो शूट हो रहा है। बाकी हम लगभग 15 दिनों से यहाँ पर अयोध्या में बने हुए हैं और पल पल की चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। पूरा आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है और ये जो वीडियो
आप देख रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी यहाँ पर सुरक्षा से जुड़े जवान और जो लोग काम कर रहे हैं वही नजर आ रहे हैं। इससे अद्भुत यहाँ पर ये फूल लग रहे हैं जिनसे इनको पूरा सजाया गया है। इसके अलावा जो ये देखिए किस तरीके से फूल ले जाए जा रहे हैं मंदिर को सजाने के लिए। और यहाँ आप लाइट देखिए, इसकी लाइटिंग कितनी बेहतर की गई है। ये लगभग आधा किलोमीटर का कॉरिडोर है जिससे लोग पैदल यात्री जो हैं वो जाएंगे और प्रभु श्री राम के नए मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।